नमस्कार भाई और बहन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से खेलने वाले हैं थ्रोन फॉल। हमने आखिरी बार थ्रोन फॉल खेला था पिछले महीने, खेला था आई गेस, हाँ पिछले महीने इसकी जो आखिरी वीडियो आई थी, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और हाँ, इसमें एक काफ़ी मतलब बड़ा अपडेट आया है। बड़ा तो नहीं, वैसे अपडेट आते रहते हैं, मैं अपडेट नहीं करता हूँ इस गेम को, क्योंकि मुझे ऑफलाइन खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है इस गेम को, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा इसको अपडेट नहीं करता हूँ। और जो अपडेट है वो काफ़ी बड़ा अपडेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो है 3 नए रीजन जो हमको मिल चुके हैं यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे 3 नए रीजन है, एक हमारा ये बर्फ़ वाला रीजन है, और ये हमारा नॉर्मल जंगल है, ये अपना घना जंगल है आई गेस, हाँ घना जंगल है। और यहाँ पे एक और मोड है, ये अपना एंडलेस मोड है, आई थिंक एंडलेस मोड इटर्नल ट्रायल्स, हाँ ये हमारा एंडलेस मोड है, इसमें हम जितना देर तक खेल सकते हैं उतना देर तक, नहीं हमें हम जितना देर तक खेलना चाहें उतना देर तक खेल सकते हैं। ये भी आई थिंक कोई नया मैप है, हाँ ये तलवार वाला और ये पहाड़, ये भी कोई नया मैप है, ठीक है। तो आखिरी वीडियो में हमने खेला था स्नेक गॉड के साथ, है ना, और हम जीत गए थे। और हमें क्या इसमें से एक क्राउन मिलना था, वो क्राउन हमें नहीं मिला। अगर वो क्राउन हमें मिल जाता तो अभी हम इस वाले एरिया को खेलते, लेकिन पता नहीं कोई ग्लिच हुआ होगा शायद, और वो हमें क्राउन नहीं मिला, उसकी वजह से हम इस एरिया को पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। जैसे हमने ये एरिया कैप्चर कर रखा है पूरा, वैसे हम इस एरिया को भी कैप्चर कर लेते अगर हमें क्राउन मिल जाता तो, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ होगा अपने आप से, आई डोंट नो भाई, कुछ तो हुआ होगा। तो इस एरिया को तो हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में खेलेंगे अगर हमें इस वीडियो में क्राउन मिल जाता है इससे जीतने के बाद, वरना तो मिल जाएगा, आई थिंक ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा क्राउन। तो अगर हमें मिल जाता तो अगली वीडियो में हम इस वाले एरिया को स्टार्ट कर देंगे, अपना डेजर्ट जो है ये एरिया, रेगिस्तानी एरिया जो है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग आ चुके हैं इधर, वेपन्स अपना हम क्या चूज़ करें, वेपन में हमने पिछली बार लिया था लॉन्ग स्वॉर्ड, हैवी स्वॉर्ड। तो इस बार हम बोन डैगर लेते हैं, बोन डैगर के साथ खेले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और हमने पर्क्स भी अनलॉक करे थे, कुछ नए पर्क्स थे आई थिंक, ये था और ये दो हमने नए पर्क्स अनलॉक किए थे पिछली वीडियो में। पहला पर्क है हमारा ग्लैडिएटर स्कूल, ठीक है, ग्लैडिएटर स्कूल। यूनिट्स आर ट्रेंड 75% फास्टर, बट एवरी अपग्रेड फॉर देयर ट्रेनिंग फैसिलिटीज कॉस्ट 1+ गोल्ड। ओके, तो ये कह रहा है हमारा जो एनिमीज है, हमारे जो ट्रूप्स हैं, अपने जो यूनिट्स हैं, वो जल्दी तैयार हो जाएंगे, 75% ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनके जो बैरिक्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन पे 1 गोल्ड एक्स्ट्रा हमें खर्च करना पड़ेगा अगर हमें उसको अपग्रेड करना है तो। तो इसका मतलब हमें 6 कॉइन्स अगर लगते तो 7 लगेंगे, अगर हमें 12 कॉइन लगते तो हमें 13 कॉइन लगेंगे। भाई ये तो महंगा है यार, ठीक है। और दूसरा पर्क है हमारा वॉर हॉर्स, योर हॉर्स इज 20% फास्टर एंड राइडिंग ओवर एनिमीज डील्स 2.25 डैमेज, द डैमेज इंक्रीजेज इन कोरिलेशन टू ऑल योर अदर इन गेम वेपन अपग्रेड्स लाइक सर्टन कैसल सेंटर अपग्रेड। इसमें मेरे हॉर्स को अपग्रेड मिल रहा है, मेरे हॉर्स की स्पीड बढ़ रही है 20% से, और उसको डैमेज मिल रहा है 2.25 का, उसको नहीं मतलब एनिमी को मिल रहा है, अगर हम किसी एनिमी के ऊपर से चलते हैं या समझ रहे हो ना यार, उसके मतलब अगर चल रहा है तो उसके बिल्कुल बीच से निकल जाएंगे तो उसको डैमेज मिलेगा उतने का। डैमेज बढ़ता है हमारे कोई सर्टन कैसल अपग्रेड से, अब वो कौन सा अपग्रेड है वो हमें गेम में पता चलेगा, ठीक है। तो हम पर्क्स चूज कर सकते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं गॉड देख लेते हैं, गॉड में क्या है अपना। पिछली बार हमने क्या लिया था, स्नेक गॉड, इस बार हम लेंगे फाल्कन गॉड। ओके, फाल्कन गॉड में क्या है, एनिमीज आर 75% फास्टर एंड चेज यू फॉर 60% शॉर्टर व्हेन यू अटैक देम, बट यू गेट 20% मोर पॉइंट्स एंड एक्सपी इफ यू विन। 75% ज़्यादा तेज हैं, 60% कम उनका अटेंशन स्पैन है मेरी तरफ। ओके, ठीक है, हम इसी गॉड से खेलेंगे और जीतने पे हमें मिलेंगे 20% ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और एक्सपी मिलेगा,
अगर हम जीत जाते हैं, जो कि हम जीतेंगे जीतेंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, अभी हमें कोई पर्क लेना है जो हमें मदद करेगा इनसे लड़ने में। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। 75% पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनसे लड़ने के लिए हमें चाहिए होगा कोई ऐसा पर्क जो हमारे ट्रूप्स को पावरफुल बना दे, क्योंकि अगर मुझ पर अटेंशन स्पैन उनका 60% कम है तो मेरे ट्रूप्स ही उनको मार सकते हैं, क्योंकि मेरे पे तो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्या करते हैं, वॉरियर मोड, द वेपन यू हैव इक्विप्ड बिकम मोर पावरफुल एवरी नाइट। वॉरियर मोड नहीं, कमांडर मोड, ऑल ऑफ योर यूनिट्स एंड बिल्डिंग्स डील 40% मोर डैमेज टू एनिमीज बट योर ओन डैमेज इज 60% लेस इफेक्टिव। ओके, ये मेरे ट्रूप्स का डैमेज बढ़ा रहा है लेकिन मेरा डैमेज कम हो रहा है। इसमें कम हो रहा है या लेस इफेक्टिव है, दोनों में कोई, दोनों में अंतर होगा ना। लेस इफेक्टिव दिखा रहा है इसमें 60%। अगर कम हो रहा है मेरा डैमेज स्टार्टिंग से तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ अपने कैसल को अपग्रेड करके, लेकिन अगर लेस इफेक्टिव है तो फिर तो मैं यहाँ पे मानूंगा कम हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्क हमारी ये है। सेकंड पर्क में हम क्या ले सकते हैं, आर्मर की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आर्मर अपने पर जब वो अटेंशन स्पैन उनका तक कम है तो आर्मर की कोई ज़रूरत नहीं अपने को। हम लोग आर्किन टावर ले सकते हैं जिससे हमारा 33% डैमेज और रेंज बढ़ जाएगी अपने जो आर्किन टावर्स हैं उनकी। या हम रॉयल मिंट ले सकते हैं, रॉयल मिंट हमारी क्लासिक चॉइस है। यहाँ पे अगर मुझे तीन पर्क लेने के चॉइस दिए होते ना तो ये मतलब परफेक्ट हो जाता, लेकिन हम दो ही के साथ ही अटके हैं। तो आई गेस कैसल फोर्टिफिकेशन, ओके, किंग ऑफ रेजरेक्शन नहीं, मैं मरने नहीं वाला हूँ तो सीधी सी बातें तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें कुछ चाहिए जो हमारी वॉल्स की है, नहीं वॉल्स की नहीं, जो हमें गोल्ड प्रोवाइड करे। एक ही है अपने पास तो गोल्ड के लिए, तो एक रॉयल मिंट है बस, तो रॉयल मिंट ही ले लेते हैं। ठीक है, रॉयल मिंट काफ़ी रहेगा। हाँ ठीक है, पर्क्स हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, अपना गॉड हमने सेलेक्ट कर दिया है जो हमारा फाल्कन गॉड, और अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम अपना कैसल बनाएंगे। हमारे पास 5 कॉइन बचे हैं अभी भी, से हम अपना हाउस बनाएंगे जो कि हमें हर टर्न के हिसाब से एक कॉइन देगा, हर नाइट के हिसाब से एक कॉइन देगा, नाइट बोल लो या वेव बोल लो। ठीक है, हमारे खाते में अभी एक कॉइन है, एक कॉइन से हम शायद कुछ नहीं बना सकते हैं, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं तो स्टार्ट करते अपनी पहली नाइट। पहली नाइट थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन मेरी तरफ काफ़ी कम हो गया है। देखो जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए इनसे दूर हटता हूँ तो ये सीधा मतलब कैसल की तरफ भागते हैं। इसको देखो ऐसे, इसलिए मुझे वॉल्स की ज़रूरत है ताकि अगर मुझसे छूट भी जाता है कोई एनिमी वगैरह तो वो वॉल्स से रुक जाएगा, या फिर मुझे ट्रूप्स बनाने चाहिए जो हेल्प करेंगे मुझे एनिमीज से लड़ने में। ठीक है, हमारे खाते में 0 कॉइन्स हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली नाइट को। ये नाइट थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, पिछली नाइट से ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेना पड़ रहा है इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया गया है इसकी वजह से। ठीक है, हार्ड तो थी लेकिन इतनी हार्ड नहीं थी ये वेव। 11 कॉइन मिले अपने को, 11 कॉइन से हम 7 इस पर लगा देते हैं, 4 बचेंगे इसके बाद। ओ, हमने नए अपग्रेड्स भी अनलॉक कर लिए हैं। मैजिक आर्मर तो हमारे पास पिछली बार भी था। असैसिन्स ट्रेनिंग, 100% अटैक डैमेज आउटपुट फ्रॉम योर कैरेक्टर इफ यू मैनेज टू यूज योर एबिलिटी जस्ट एज द कूल डाउन वेयर्स ऑफ द नेक्स्ट कूल डाउन इज कट इन हाफ। ओके, 100% हमारा डैमेज बढ़ रहा है इसमें तो। लेकिन देखो मैं फर्स्ट में तो मैं बिल्डर्स गिल्ड ही लेता हूँ, सबसे मतलब ऑप्टिमाइज्ड सबसे ये है अपग्रेड है। इसमें
कितना मतलब हर हाउस को अपग्रेड कर रहा है हर नाइट के हिसाब से, सबसे ऑप्टिमाइज्ड अपग्रेड मेरे को यही लगता है। असैसिन्स ट्रेनिंग काफी अच्छी नहीं है मतलब, नहीं अगर नहीं यार मैं तो बिल्डर्स गिल्ड ही लूंगा ठीक है। इसमें मतलब हमारा हर हाउस अपग्रेड हो रहा है लेवल 2 में, और अपने को क्या ही चाहिए, तो ठीक है बिल्डर्स गिल्ड ही लेंगे। 4 कॉइन्स है, हम 4 कॉइन्स से कुछ बनाएंगे, रुको। ठीक है इसको बनाते हैं, नाइट्स लें क्या, ये लें। दे डू एक्स्ट्रा डैमेज अगेंस्ट फास्ट एनिमीज एंड स्लो देम डाउन, नॉट अ ग्रेट पिक अगेंस्ट रेंज्ड यूनिट। फास्ट एनिमीज ही हैं इस मैप में, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वेव। उससे पहले ये जो अपने हैं ना, ये अपने कॉकरोच हैं, कॉकरोच हैं ये क्या है, ये 2 सींग हैं इसके, 2 पैर हैं, 1 पूंछ है, कॉकरोच ही लग रहा है यार मेरे को तो। ये जो है ना ये अपने पर अटैक करेंगे, ये कैसल की तरफ नहीं जाएंगे, फिर भी बाई चांस अगर ये जाते हैं तो मैंने यहाँ पे ये लगा रखी है, एक आर्किन टावर लगा रखा है इधर एक, ये संभाल लेगा अगर। वैसे तो ये अपनी तरफ ही आते हैं जो ये वाले कॉकरोच होते हैं ना, एक फ्लाइंग कॉकरोच भी होता है ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये सीधा अपनी तरफ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी अगली नाइट, ये हम होगी हमारी 3rd नाइट। हाँ ये अपनी तरफ ही आते हैं, लेकिन इनका डैमेज बहुत होता है सही में, ये मतलब आधी हेल्थ खा जाते हैं पूरी। ओफ 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 ओफ, आधी हेल्थ निकल जाता है भाई, ये बहुत वो होते खतरनाक होते हैं। 13 कॉइन्स और हमारा एक हाउस अपग्रेड हो गया यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना इसको बनाऊँगा, उसके बाद मुझे चाहिए ये। हमने यहाँ पे भी एक नया खुला है, हंटर्स। हंटर्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव अगेंस्ट मॉन्स्टर्स, दे हैव डिसेंट सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज इन मेले कॉम्बैट बट आर वनरेबल अगेंस्ट रेंज्ड यूनिट्स। ओके ये अपना वो है पीएमएन है, ये अपना आर्चर की फॉर्म में, स्पीयरमैन है ये, क्योंकि इसकी जो इसकी भी वनरेबिलिटी ये है कि ये रेंज अटैक के सामने मतलब कमज़ोर पड़ जाता है। हमारे स्पीयरमैन भी रेंज अटैक के सामने कमज़ोर पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉसबो ले क्या, दे आर आर्मर्ड अगेंस्ट रेंज्ड अटैक्स, बोनस डैमेज अगेंस्ट रेंज्ड यूनिट्स, बेस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फ्लाइंग यूनिट्स। ठीक है ये लेते हैं, ये डैमेज देंगे काफ़ी, तो ये मतलब बढ़िया है। इनको हम लगा देंगे यहाँ यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे अपने वो आ रहे हैं ना आर्चर्स हमला कर रहे हैं वहाँ पे इनको लगा देंगे, ये बढ़िया है आर्चर्स के सामने, जो लॉन्ग बो आर्चर्स होते हैं ना। बाकी जो अपने ये हैं स्पीयरमैन्स हैं, इनको हम लोग ले चलते हैं अपने साथ इधर। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हाउस जितने भी लगा सकते हैं अभी लगा देते हैं, 2 ही लगा सकते थे वैसे तो, भी पैसे खत्म है अपने पास। एक और हाउस हम लगा सकते हैं इधर, इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें लगाएंगे, नेक्स्ट डे में। और अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट को। मुझे ये भी बनाना है यार, इनसे पैसे मिलते हैं काफ़ी अपने को, ये हम बनाएंगे नेक्स्ट डे में। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट, कौन सी नाइट है ये, 4th नाइट। मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये रेंज जो होते हैं ना आर्चर्स, यही इनकी कमजोरी है अपने स्पीयरमैन की। क्रॉसबो मैन अपने संभाल लेंगे ऊपर, उनका मतलब उनका मेन प्रे प्रे ही यही होते हैं लॉन्ग बो आर्चर, वो इन्हीं के खिलाफ ज़्यादा दमदार हैं, क्योंकि इधर देखो भाई इन्होंने अकेले ही संभाल लिया, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 20 कॉइन्स, ओके अभी आ रहे हैं ये वाले कॉकरोच। कॉकरोच है ये, कछुए हैं ये कछुए, हाँ देखो एक शेल है, फिर 2 पैर है, आगे की तरफ मुंह होगा, एक 2 हाथ, पता नहीं 2 हाथ अंदर होंगे इनके। ठीक है इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखो सीधा अपने उसकी तरफ जाएंगे कैसल की तरफ, तो इसको मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ इस राउंड के लिए। इम्प्रूव प्लॉय लेंगे भाई हम लोग, हर बार ये लेते हैं, इसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। जितने भी अपने ये है ना विंड मिल जितने भी हैं, इन सबको बना दूंगा और इनसे जितना हो सके उतना पैसा लेने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मुझे 5 कॉइन्स अभी भी रहते हैं, इसको अपग्रेड कर देते हैं, चलो लास्ट टाइम इसको बना देते हैं। अभी हमें आर्मी सेटअप करनी कर लेनी चाहिए,
आर्मी क्या सेटअप करनी है, इनको ऐसे लगा देना है इधर, इनको लगा देना है कहाँ लगाना है, इधर लगाना है, क्योंकि ये सीधा भागे भागे आएंगे अपने कैसल की तरफ। तो कैसल की तरफ आएंगे लेकिन ये वॉल पे रुक जाएंगे इधर, कैसल की तरफ आएंगे और बीच में हमारे ये रहेंगे, ये इनको स्लो कर देंगे, और यहाँ पे पीछे अपने क्रॉसबोज हैं ये उनको मतलब ख़त्म कर देंगे, मतलब उनके हेल्थ उनका कम कर देंगे जितना कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी 5वीं रात। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई मैंने, मेरे यही ख़त्म कर दे रहे क्रॉस को, क्रॉस बोने स्पीयर में नहीं ख़त्म कर दे रहे हैं, बाकी जो बचेगा उसको मैं मार दूंगा। कितने वन मिले अपने को, 26, पिछली बार 20 मिले थे आई थिंक। ओके हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, कैसल अपग्रेड करें, क्या ज़रूरत है क्या कैसल अपग्रेड करने की? आई थिंक हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। पहले देखते हैं एनिमीज कितने आ रहे हैं, 20 हमारे हैं नाइट्स, 20 हमारे हैं क्रॉसबो नहीं लॉन्गबो, नाइट्स के खिलाफ सही रहेंगे क्या? अगले उसमें करते हैं ना, इसमें मतलब ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ क्योंकि अगर मैं इसको बना भी लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वॉल्स बनाने के लिए और पैसे चाहिए होंगे, उतने तो नहीं रहेंगे। 20 में मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा तो 1 कॉइन बचेगा, 1 कॉइन से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते हैं हम लोग अपने इस पे ध्यान देते हैं, इस नाइट पे हम जितना हो सके उतना पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फिर और क्या होता है आगे। ठीक है 7 कॉइन्स हैं अभी भी अपने पास, इसको तो मैं अपग्रेड नहीं करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, कि मतलब प्रॉक्सिमिटी काफ़ी पास में है इनके, मेरे ट्रूप्स अगर नहीं संभाल पाते हैं तो ये तो जाएगा ही जाएगा, इस पे पैसा खर्च करना मतलब पैसे की बर्बादी है। एक यहाँ पे ये है, इसको हम बना सकते हैं, 1 कॉइन हमारे पास है, 1 कॉइन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्मी लगा देते हैं अपनी, ठीक है आर्मी लग चुकी है, 1 सेकेंड ज़रा क्रॉसबो को थोड़ा पीछे कर देते हैं। मुझे एक ऐसा यूनिट चाहिए जो मतलब डैमेज को झेल सके, जो कि एक टैंक हो बेसिकली, जो डैमेज को हेड ऑन ले और मरे ना ज़्यादा आसानी से, क्योंकि उसके पीछे फिर मैं अपने क्रॉसबोस लगा सकता हूँ जिससे मेरे क्रॉसबोस उसको ख़त्म कर देंगे पल भर में। आर्मी सेटअप हो गई है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट नाइट को, जो कि होगी हमारी 6th नाइट। अभी तक तो स्मूथ जा रही है, नहीं बस कहने की देर थी। ठीक है हमने वो लिया था ना कमांडर मोड से, हमारे 75% जल्दी तैयार हो जाएंगे ट्रूप्स, स्पीयरमैन आ रहा है अपना, लेकिन ये तो वो है यार नहीं लॉन्ग बो आर्चर्स हैं, ये तो ख़त्म कर देंगे और मैं गया। नहीं, मुझे क्रॉसबो चाहिए यार क्रॉसबो, ओ नो मैं गया गया खत्म, मैं मारने वाला हूँ क्रॉसबो, क्रॉसबो बचाओ यार। ठीक है ओके 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 ओके, ये हमने आर्कन टावर बना था ना, इसने काफ़ी हमारी मदद करी इस वेव में, थैंक यू भाई थैंक यू, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। अभी हम अपना कैसल अपग्रेड कर सकते हैं, और हम क्या लेंगे, कमांडर ले सकते हैं हम, जिससे हमारा डैमेज बढ़ जाएगा 30%, यूनिट्स की स्पीड बढ़ जाएगी, और क्या होगा अटैक कर सकते हैं उनको जब हम मूव कर रहे होंगे। यहाँ हम रॉयल मास्टरी ले सकते हैं, रॉयल मास्टरी में 75% डैमेज बढ़ जाएगा, 75% हेल्थ बढ़ जाएगी, रॉयल मास्टरी लेते हैं। कमांडर की हमें ज़रूरत नहीं है, कमांडर मोड हमने लिया था पर्क में तो वही काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो वॉल्स बना लेते हैं चारों तरफ। नेक्स्ट वेव में हमें उधर से मिलने वाला अटैक, तो मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ उसको अपग्रेड करके। ओके मुझे एक काम करते हैं, इसको भी अपग्रेड कर देते हैं, 3 कॉइन्स अभी रहते हैं, 3 कॉइन्स हम क्या कर सकते हैं, एक हाउस बना सकते हैं। ओके 1 कॉइन 1 कॉइन से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है हम लोग सेटअप करते हैं अपने क्रॉसबोज को, क्रॉसबो ही अपना रहे अब तक चल रहे हैं बढ़िया,
और मैं चाहूंगा कि मेरे इन खेतों पे कुछ भी ना हो। और हम कुछ कर सकते हैं क्या? लगता तो नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट नाइट, ये होगी अपनी 7th नाइट। दो खेत हमने खो दिए हैं, दो कॉइन्स हमें नहीं मिलेंगे, इसके बावजूद भी हमें मिले हैं 50 कॉइन्स मिल गए उसके बावजूद भी। इनसे हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, बस बढ़िया, इसको बनाते हैं। इससे हम क्या लेंगे, नाइट्स लेंगे। नाइट्स है हमारे वर्सेटाइल वॉरियर्स, वेल आर्मर्ड अगेंस्ट रेंज्ड एनिमीज, फ्लायर्स कैन सिमुलेट साइमल्टेनियसली अटैक ऑल एनिमीज इन अ सर्कल अराउंड देम। टफ चॉइस है, क्या लें, नाइट्स लेते हैं। नाइट्स में आर्मर है, आर्मर हमें पसंद है, आर्मर ही लेंगे। इसको अपग्रेड भी कर देंगे एक बार। और यहाँ पे हम लेंगे अपने लॉन्ग बो आर्चर्स, इसको हम एक बार अपग्रेड भी कर देंगे। और हमें चाहिए क्रॉसबो, 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 क्रॉसबो। साथ में हमें आर्किन टावर्स भी चाहिए होंगे, आर्किन टावर्स बना देते हैं आगे की तरफ। चार हम बना सकते हैं ना? ठीक है, आर्मी सेटअप करते हैं अभी। ऊपर से हमारे आ रहे हैं 10 कॉकरोच हैं, 10 हमारे हैं कछुए हैं आई थिंक। हाँ, ये दोनों आई थिंक वो हैं ग्राउंड टाइप एनिमी है, कॉकरोच और ये दोनों। तो इनसे लड़ने के लिए मैं इनको लगा रहा हूँ, बाकी बचे हुए ट्रूप्स जो हैं उनको नीचे लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऐसा करेंगे कि जो क्रॉसबोज है ना उनको आधे को हम नीधर लगा देते हैं नीचे, आधे को ऊपर भेज देते हैं ना, बिल्कुल बराबर में बांट देते हैं ताकि मस्त हो जाएगा। क्रॉसबोज का डैमेज भी ज़्यादा रहता है ना, तो ये आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा बस ये खेत डिस्ट्रॉय ना होना, तो अगर एक खेत डिस्ट्रॉय नहीं होता तो काफ़ी बढ़िया है, अगर हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास और भी हैं जो हमें पैसे देंगे अगले राउंड में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट नाइट, ये हमारी होगी 8th नाइट। इस बार हमारे पास हैं नाइट्स हैं, तो इस बार थोड़ा डिफरेंस होने वाला है फाइटिंग में। यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, मैं ऊपर देख के आता हूँ जरा। ये ऊपर भी बढ़िया चल रहा है, नीचे कैसा चल रहा है? नीचे भी ठीक है। ओके, हाँ ओके, बढ़िया चल रहा है वैसे तो अभी तक। खेत अब तक नहीं, खेत डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ओके, काफ़ी स्मूथ थी ये वाली नाइट। कितने मिले अपने को? 56, 56, 6 कॉइन ज़्यादा। आई गेस मैंने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया था, जो अपने खेत है ना इनमें इन्वेस्ट करता अगर मैं पिछले राउंड में तो मुझे ज़्यादा मिलते। हमने आर्मी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था तो हमें वही मिला, फिर आर्मी अपनी सही आई। ठीक है, 44 कॉइन्स अभी भी हैं मेरे पास, मैंने अपने दोनों खेतों को अपग्रेड कर दिया है। और 44 कॉइन्स से हम क्या कर सकते हैं, इनको अपग्रेड कर देते हैं, इनको नहीं अपने वॉल्स को अपग्रेड कर देते हैं। 6 कॉइन्स ईच है इनका प्राइस, मतलब 18 कॉइन्स लगेंगे तीनों में, 12 कॉइन्स इस पे लगेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। अपना दो जो है इनको अपग्रेड कर देते हैं। स्टार्ट नहीं भाई, अपग्रेड कर मेरे भाई, हाउस लगा देते हैं, ये हमारा लास्ट हाउस था आई थिंक। हाँ ओके, और नहीं एक और हाउस है। 12 कॉइन्स हमारे पास अभी भी हैं, 12 कॉइन्स से हम इसको अपग्रेड करते हैं। 4 कॉइन्स से हम इसको बना देते हैं, रुको, 4 कॉइन्स से और हम क्या कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसी को बना देते हैं। चलो ठीक है, एक कॉइन बचता है, एक कॉइन से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेट करते हैं अपनी आर्मी को, नाइट्स हमारे आगे जाएंगे, ये जो साइड में आ रहे ना तो हम क्या बोलेंगे, ये फ्लाइंग कॉकरोच मान लो। ठीक है, फ्लाइंग कॉकरोच आए हैं, ये आ रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनके लिए हम इनको लगा देंगे अपने
लॉन्ग बॉ आर्चर्स को, है ना? चारों तरफ लॉन्ग बॉ आर्चर लग जाएंगे। और अपने, एक सेकेंड इसको लगा दे पहले। ओके, और अपने जो क्रॉसबोज हैं इनको हम नीचे लगाएंगे, ये हमें हेल्प करेंगे उससे लड़ने में। हमारा जो है ना ये जाइंट जो आएगा, इससे लड़ने में हमें हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इधर बढ़िया स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट। ये होगी हमारी 9th नाइट। भाई इसकी हेल्थ देखिए भाई, हमने बिल्कुल गायब, देखो गायब एकदम। मुझे लग रहा था ये ट्रिक अभी इस पे काम नहीं करेगी, जो इसको हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना ताकि हमारे जो ट्रूप्स हैं इसको मार दें, लेकिन अभी भी काम कर रही है, तो की बढ़िया बात है। हमने कुछ खोया तो नहीं, देखते हैं जरा, कुछ नहीं खोया। ठीक है, इस वाले की एचपी थोड़ी कम थी लेकिन ठीक है। 74 कॉइन्स, ओ माई गॉड, पिछली बार अपने को कितने मिले थे? 56 कॉइन्स मिले थे, है ना भाई? बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिले हैं इस बार। तो इस बार हम अपनी वॉल्स को अपग्रेड कर देते हैं और सब कुछ अपग्रेड कर देंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार, इसको भी अपग्रेड कर देंगे। डिफेंस अपना पूरा अपग्रेड करते हैं बढ़िया से, इसको बना देते हैं, अपग्रेड भी कर देंगे इसके साथ ही साथ। 39 कॉइन्स है अभी भी, 39 कॉइन्स। हम क्या करेंगे, अपने नाइट्स को अपग्रेड कर देते हैं पहले। 23 कॉइन, 23 कॉइन से हम इसको अपग्रेड कर देते हैं। 7 कॉइन्स अभी भी रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसके तो 15 चाहिए, 15, इसके लिए भी 15 चाहिए। इसको अपग्रेड कर सकते हैं शायद, हाँ इसको अपग्रेड करते हैं। 2 कॉइन्स अभी भी हैं, इससे मैं एक हाउस अपग्रेड कर दूंगा। ठीक है, अब हमें आर्मी सेटअप करनी है यार। आर्मी में 30 30 30, तीनों तरफ से 30 हमारे नाइट्स आ रहे हैं, एक जाइंट आ रहा है। ओके, तो इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको ये पूरी आर्मी सेटअप करने के बाद मिलता हूँ। ठीक है, तो क्या भाई लोग, यहाँ पे हमने अपनी आर्मी सेटअप कर ली है। सेटअप में हमने क्या किया है, पूरे जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको बराबर में बांट दिया है। अपने नाइट्स थे, स्पीयर्स थे, उनको चार चार में बांट दिया है। बाकी भाई समझ लो सबको बराबर बराबर में इधर उधर कर दिया है। ठीक है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी, कौन सी नाइट हो गई है, 10वीं नाइट है ये, 10th नाइट। मुझे डर सिर्फ उसका लग रहा है जो जाइंट है ना, क्योंकि अभी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा हर साइड को, तो जाइंट हो सकता है कि उड़ा दे इन लोगों को। जिस साइड में नहीं हो उस साइड को उड़ा दे जाइंट, देखते हैं क्या होता है। जब तक मेरे को खेत वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं होते मैं तो सक्सेस ही मानूंगा, भले कितने मेरे ट्रूप्स मर जाए, क्योंकि पैसा चाहिए भाई, पैसा पैसा सब कुछ है। सब कुछ तो नहीं है वैसे, हाँ ये जाइंट आ गया ना, इसको मैं अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा ताकि मेरे ट्रूप्स जो इसका खात्मा कर दें। और भी तरफ आ गया होगा जाइंट, जैसे कि इधर। ओके, जाइंट ख़त्म, मेरे खेत पे मत जा मेरे भाई, इधर आ जा, ख़त्म भाई ख़त्म। ठीक है, हमें कितने कॉइंस मिलेंगे भाई, पैसा कितना है देखो तो, 74 कॉइंस लगभग। पिछले जितना, पिछले में अपने कितने मिले थे, 77 70 के आसपास मिले थे ना। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी नीचे से आ रहे हैं हमारे आर्चर्स, लॉन्ग बो आर्चर्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रॉसबो को अपग्रेड कर देते हैं मैक्सिमम। स्पीयर शायद हैं अपने, नाइट्स भी हैं, बस हमारे लॉन्ग बो आर्चर रहते हैं, इनको भी मैक्सिमम अपग्रेड कर देंगे। हाँ क्या हुआ इसको, ठीक है, तो हमने मैक्सिमम अपग्रेड कर दिया है। और कुछ रहता है क्या, हाउस रहते हैं और अपने आर्कन टावर्स रहते हैं, इन दोनों को हम अपग्रेड कर सकते हैं। सामने वाले एक टावर को मैं कर दूंगा अपग्रेड मैक्सिमम पे, मैक्स लेवल पे अपग्रेड कर देंगे हम इसको। 15 कॉइन के साथ हम क्या लेंगे, बलिस्टा लेंगे, बलिस्टा ही सबसे बेस्ट है।
और यहाँ पे एक और है, इसको भी हम ग्रेड कर देते हैं मैक्स लेवल पे, बलिस्टा लेके। सभी को हम बलिस्टा बनाएंगे, बलिस्टा ही सबसे बेस्ट है। अगर तुमको बलिस्टा बेस्ट नहीं लगता है तो आई एम सॉरी लिटिल वन। ठीक है, अभी अपने को आर्मी सेटअप करनी है। आर्मी को हम फटाफट लगा देते हैं, सब कुछ आगे जाएगा भाई, जो भी है सब लोग आगे चलो। और अब हम एक सेकेंड, कौन से वाले आ रहे हैं? ये हमारे कॉकरोच आ रहे हैं जो सीधा कैसल की तरफ भागते हैं। कैसल की तरफ भागते हैं कि मेरी तरफ भागते हैं? मेरी तरफ आएंगे शायद ये कॉकरोच जो है। और अपने लॉन्ग बो आर्चर हैं 50-30। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये 11th नाइट है हमारी, 11वीं रात है हमारी। ओके, हमारी यहाँ पे आर्मी सफाचट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम बने हुए हैं। अभी हमारे क्रॉस बो संभाल रहे हैं उन्होंने। मैं क्या, मैं गया, मैं गया। खत्म। कितने कॉइंस मिलेंगे अपने को? 78। 14 कॉइन तो अपने को उसी से मिले, बैटल से मिले। ठीक है, ये अपनी होगी लास्ट, सेकंड लास्ट होगी ये वेव, आई गेस सेकंड लास्ट होगी ये। 13 वेव थी ना, 13 वेव्स थी, ये हमारी सेकंड लास्ट वेव होगी। 78 कॉइन्स हैं, इससे हम अपना डिफेंस अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ये बलिस्टा हम अपग्रेड कर सकते हैं। ये अपग्रेड कर सकते हैं हम बलिस्टा में, इसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं बलिस्टा में, इसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं बलिस्टा में। 18 कॉइन्स है, एक और को हम कर सकते हैं, इसको करते हैं। हाँ, इसको करते हैं हम अपग्रेड बलिस्टा में। बढ़िया, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये हमारे ग्राउंड वाले कॉकरोच हैं, तो इनके लिए मैं थोड़ी सी आर्मी लगा दूंगा। 3 ही है वैसे तो, कुछ कर, 3 ही 5 हैं, कुछ फाड़ नहीं पाएंगे अपना। फिर भी स्टार्ट करते हैं, अपनी सेकेंड लास्ट नाइट होगी अपनी, 12th नाइट। ठीक है, 8 पॉइंट्स अपने को मिले हैं वेव से, तो टोटल हमें मिलते हैं कितने, 72 पॉइंट्स। इससे हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं बलिस्टा में, इसको अपग्रेड कर सकते हैं बलिस्टा में, इसको अपग्रेड कर सकते हैं बलिस्टा में। बढ़िया, सब कुछ हमने मैक्स अपग्रेड कर दिया है इस मैप पे, जो भी कुछ था सब हमने मैक्स पे कर दिया है अपग्रेड। हाँ, सब कुछ मैक्स पे अपग्रेड है, कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं है जिसको हमने अपग्रेड नहीं किया है। हाउसेस तक हमने सब अपग्रेड कर रखे हैं, वैसे हमने तो नहीं करे, ये हमारे जो अपग्रेड था उस पे का कैसल, कैसल सेंटर बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारे जो कैसल में अपग्रेड किया था ना आर्किटेक्ट, कुछ अपग्रेड था हाँ उससे। ओके, अभी हमें अपनी आर्मी सेटअप करनी है, इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई। खैर, आपको मैं टाइम लैप्स कर दूंगा आपके लिए, पूरा जितना भी मैं अभी करूंगा ना ये टाइम लैप्स हो जाएगा, कोई बढ़िया सा गाना लगा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते अपना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ओके भाई लोग, यहाँ पे हमने सब कुछ सेट कर लिया है, जितना भी हमारा आर्मी था सब सेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वेव को, नेक्स्ट नाइट को, लास्ट नाइट है वैसे हमारी, स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे खेत वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते तो हो जाने दो, क्योंकि लास्ट नाइट है, अगली नाइट की हमें कोई फिक्र नहीं है। बस हमारा कैसल जब तक सिक्योर है तब तक कोई चिंता नहीं है अपने को, और ये मुझे हमेशा अजीब ही लगता है।
ठीक है। आई थिंक हमने जो अपग्रेड लिया था कमांडर मोड काफ़ी बढ़िया है, इसका डैमेज मतलब एकदम फर्स्ट क्लास डैमेज है, खतरनाक डैमेज कर दिया हमने इनको। ऊपर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, नीचे चल रहा है अभी भी। ओके ऊपर स्टार्ट होगा क्या अभी? नहीं अभी तो नहीं हुआ। ओके ऊपर भी स्टार्ट हो गया। मुझे इनको बस जाइंट जो होते हैं ना उनसे प्रोटेक्ट करना है, बाकी तो ये संभाल ही लेंगे, क्योंकि जाइंट अगर उनका लग जाता ना इन पे एक भी तो मतलब इंस्टेंट हिट होता है, इंस्टेंट डेथ होती इनकी। और यहाँ पे ओवर रन कर रहे हैं मेरे को, एनिमी जीतते भी हैं। ठीक है नीचे चल रहा है क्या कुछ? नहीं नीचे ठीक है, ये बोलते ही हो गया। यार ये मेरे को बहुत गंदा लगता है सही में ना, डैमेज होने के बाद अपना स्पीड कम कर देते हैं लोग, उससे में बहुत बेकार लगता है। ओके हमने आई थिंक कुछ भी नहीं खोया, हाँ परफेक्ट विक्ट्री थी यार ये तो, हमने कोई मतलब खेत वेत कुछ नहीं खोया इसमें। हमारा क्या स्कोर है देखते हैं, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 हमारा न्यू रिकॉर्ड है। ठीक है ओके भाई लोग, तो ये थी हमारी हमारा फैल्कन गॉड, और आई थिंक हमें ये अभी भी नहीं मिला इसमें क्राउन। क्राउन के लिए आई थिंक हमें कुछ और खेलना पड़ेगा इसमें। अरे हाँ क्राउन के लिए हमें वो करना पड़ता है ना, रुको क्राउन के लिए हमें ये करना पड़ता है अचीव है विक्ट्री विथ, हाँ इन दोनों के साथ खेलना पड़ेगा। तो आई गेस मैं ऑफलाइन खेलूँगा इनको, ठीक है ऑफ कैमरा में इसको खेल के मतलब पूरा ये कम्प्लीट कर दूंगा, ताकि हम नेक्स्ट वाले पे खेल सकें, क्योंकि ये बस यहाँ पे बैठा है। मैं कितने वीडियोस से ना इसी पे खेल रहा हूँ, जो ये वाला एरिया है ना इस पर मैंने अब तक एक बार भी नहीं खेला है। खेला तो मतलब मैंने खेला था इस पर एक बार खेला था, जस्ट थोड़ा ट्राई करने के लिए कि कैसा है मैप वगैरह, और बाकी तो मैंने नहीं खेला कभी। इसको मैं क्या ऑफ कैमरा कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा मतलब पूरा कैप्चर कर लूँगा, अभी तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, कितने 48 मिनट हो गए वीडियो को, 49 मिनट हो गए वीडियो को। तो ठीक है फिर, ये था हमारा फैल्कन गॉड ही था ना, हाँ फैल्कन गॉड ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।